हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इज डॉक्टर रितेश सक्सेना और आज मेरे ब्लॉग में एक्चुअली आज हम लोग वृंदावन ट्रिप पर जा रहे हैं एंड सुबह उठ गए हैं सब लोग, तैयारी चल रही है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा बेबी ये यहाँ पे तैयार हो गया है। हाँ भाई, रेडी हो गए वृंदावन के लिए? हैं, लव दो पापा। तो ये दिव्यांशी है, बहुत ही बदतमीज़ बेबी है एक्चुअली में, ये मुंह बना रहा है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स वृंदावन। सुबह तैयारी हो गई है, ये देखिए ये पैकिंग वैकिंग चल रही है और सारा ये रेडी हो रहा है मामला यहाँ पर। और मैडम जो है हमारी, वो कुछ खान पान की तैयारी कर रही है। ये मैं दिखा दूँ, ये देखिए। हेलो हेलो बोल दो यार। गुड मॉर्निंग। ये देखिए पूरी वूरी बना रही हैं कुछ साथ में रखने के लिए। और ओहो, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, यानी कि सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और ये देखिए हलवा भी बनाया है भाई, यम यम सड़प सड़प के लिए। तो वृंदावन ट्रिप पे बस थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं और फिर हम आपको वृंदावन ट्रिप में बहुत सारे मंदिरों का दर्शन भी कराने वाले हैं। या निकल रहे हैं और मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, ये देखिए। और वी आर मूविंग टू वृंदावन। हेलो, और हम यहाँ रामगंगा पे बस आ गए हैं वृंदावन जाते हुए। और यार देखिएगा यहाँ पर, और ये चना देखिए कैसे एकदम से, मम्मी से मार दिया। ये देखिए ये आ गए, और ये देखिए दैट्स गुड, सब लोग आ गए परिवार के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, खाने का आनंद लिया जा रहा है, चाहे ट्रेन में हो या बस में हो या गाड़ी में हो, लेकिन चलते हुए खाने का मजा ही कुछ और है। ये कचौड़ी का आनंद, और ये देखिए पीछे सोया जा रहा है, आनंद लिया जा रहा है। और यहाँ अब हम लोग बदायूं क्रॉस कर लिया था और कचला पहुँच गए हैं। ये देखिए मैं आपको ये पीछे देखिए बैकग्राउंड, ये क्या है? अरे कचला है, कचला घाट। हेलो, ये देखिए कचला घाट। और हम लोगों ने सोरो क्रॉस कर लिया है। सोरो वो जगह पे है जहाँ पर रामचरितमानस लिखी थी, तुलसीदास जी रहते थे वहां पर, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। और ये देखिए यहाँ से मथुरा 113 किलोमीटर, बहुत ही अच्छा बाईपास बनाया है ये। अगर आप बरेली या से निकलते हैं वृंदावन मथुरा के लिए, कासगंज पूरा क्रॉस हो गया है। क्या कह रहे हो बेटा? ये बेबी कुछ कहना चाह रहा है। कौन सी शार्क? क्या बुल शार्क? क्या होती है वो? फ्रेश वाटर में मिली थी। और तो क्या करती है? क्या करती है? अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी यहाँ पे इस डैम के लिए, बताओ। क्या मगरमच्छ हुआ तो इनका क्वेश्चन रहता है जब भी कोई तालाब वालाब होता है कि पापा वहाँ मगरमच्छ होता है नहीं, इन्हें बड़ा जो है मोहब्बत है मगरमच्छों से। क्यों बोलो? मॉर्निंग नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, तो हम आ गए हैं वृंदावन, 8 किलोमीटर है यहाँ से, वी हैव जस्ट एंट्री। और देखिए कितना अच्छा स्वागत मिला है यार। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसी घुसे ये देखिए गौ माता, और ये भी देखिए। सो यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ वृंदावन में, हरे कृष्णा ऑर्चर्ड। दिस इज अ वेरी गाइगेंटिक होटल, यू कैन सी ये पूरा होटल है। एंड दिस इज अ रिसेप्शन, ये मूविंग लॉग एक मिनट हेलो बोल दीजिए। दिस इज द मैडम ऑन रिसेप्शन। हाय सर, दिस इज द लॉबी ऑफ दिस रिसेप्शन। हाउसकीपिंग मैम, हेलो। सो दिस इज आवर रूम, हेलो बोल दो यार। Hello. रूम कैसा पसंद आया? हाँ, चलिए मैं अब आपको रूम के दर्शन करा देता हूँ। ये एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए एक छोटा सा किचन भी बना रखा है। इट्स वेरी गुड, दिस इज द LCD, दिस इज द वॉशरूम, वेरी क्लीन एंड वेरी, एंड दिस इज द ओपन एरिया, दिस इज द पूल, यू कैन हैव अ लुक। ये पूल साइड रूम है, ये बहुत ही शानदार होटल है ये। ये देखिए दिव्यांशी झूले का आनंद लेती हुई। हेलो, हम बैठ गए हैं ये ई रिक्शा में एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स आइस्कॉन। हम आइस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं
बड़ा अच्छा हेक्टिक स्केड्यूल रहा मॉर्निंग में चल के हम लोग यहाँ पर 2:45 आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हम आइसकॉन में हैं और आप देख रहे हैं भाई साहब हमारे साथ हैं। बहुत आनंदमय माहौल, कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है और बहुत ही आनंदमय विजिट आइसकॉन वृंदावन। और अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। चलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा। सो वी आर एट प्रेम मंदिर। अब प्रेम मंदिर में इस समय हम लोग हैं, आप देखिए ये कलर्ड लाइट्स हैं प्रेम मंदिर में जो अभी रंग बदलती हैं। ये देखिए अब कलर बदल गया है। ये राधा कृष्ण जी का बड़ा अच्छा पीछे एक वो है। और हम लोग बढ़ रहे हैं, ये वृंदावन में डांसिंग फाउंटेन है प्रेम मंदिर में। ये देखिए डांसिंग फाउंटेन प्रेम मंदिर वृंदावन। सो एंजॉय दिस ब्यूटी इन माय व्लॉग। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। पीछे मेरे देख रहे हैं आप भगवान श्री कृष्ण, राधा मैया और गोपियां नृत्य करते हुए। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण बीच में उठाए हुए हैं और बीच में इसके नीचे सारे ग्वाले गोपियाँ और सारे लोग हैं। मैं यहाँ प्रेम मंदिर में हूँ और ये देखिए बिहारी जी प्रेम में आए हुए हैं और जिनके साथ आए हैं मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? पूना से आए हुए। क्या नाम है मैम आपका? कविता। हाय जी, हाउ आर यू? गुड। तो आप ये कब से मतलब बिहारी जी की सेवा ऐसे कर रहे हैं? 8 महीने हो गए बिहारी जी हमारे पास। 8 महीने से आप अपने साथ हमेशा इनको रखते हैं? जी, वो मेरी बेटी ने उन्हें भाई माना है। अच्छा अच्छा, ओके। बिटिया ने भाई माना हुआ है और ये आपके बेटे की तरह है। ये देख लीजिए बिहारी जी को एक बार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। एक और एक अद्भुत घटना प्रेम मंदिर में अभी अभी घटी। मेरे साथ अवनीश जी हैं, इनका चश्मा खो गया था जो ये लगाए हुए हैं। और उसके बाद हम भी पंप प्रेम मंदिर गए और मैं आया भी सर के साथ, ढूंढा नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ बताइए अवनीश भाई साहब। मुझे लगाया था अंदर से आवाज़ आई कि भाई जो है चश्मा तो मिल जाएगा, तो मैं चश्मा जो है लेने वहाँ पर जब गया तो जी वहीं चबूतरे पर रखा मिल गया। अब आप देखिए कि मैंने भी ढूंढा, इन्होंने भी ढूंढा, नहीं मिला। फिर इन्होंने बोला चलो छोड़ो कोई बात नहीं, फिर हम लोग दर्शन के लिए चले गए। अचानक इनको लगा, बोले कि मैं जरा देखने जाता हूँ रितेश जी के क्या है, और ये गए और चश्मा वहीं पर इनको मिल गया। और ये समय लगाए हुए डिस्टेंस का चश्मा है। और आज फर्स्ट डे हमारा वृंदावन में, कल भी रुकना है, कल भी मंदिर के दर्शन करने हैं। सब परेशान थे, रचना जी परेशान थी, राधे राधे सब परेशान थे। तो राधे राधे, तो यही है श्री कृष्ण जी की महिमा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और अब हम डिनर के लिए यहाँ हरे कृष्ण ऑर्चिड के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बेसमेंट में। ये देखिए सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। रचना जी की मम्मी हम और गुड मॉर्निंग नहीं लगे हुए हैं, और अभी वैसा भी नहीं लगे हुए हैं। और हम लोगों ने पनीर ऑर्डर किया है, कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया, पाइनएप्पल रायता ऑर्डर किया, दाल मखनी ऑर्डर की है, अरहर दाल ऑर्डर की है, नान और रोटी ऑर्डर की है। जब खाना आएगा तो हम आपको दिखाएंगे वो खाना कैसा था। गॉड एंजॉय दिस, राइट। हम लोगों के लिए कहा जाता है कि हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन देखिए ये दोनों महिलाएं मोबाइल में लगी हुई हैं और हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में डिनर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दोनों लोग मोबाइल में लगी हुई हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं खाना नहीं दिखा पाया, बहुत तेज भूख लग रही थी। तो ये देख लीजिए ये बचे अवशेष कुछ बचे हुए हैं। नहीं मना कर रही है, नहीं अवशेष मत दिखाइए। पहले जो हमने बदतमीजी की है ये देखिए उसका, ये है देखिए। अभी अवनीश भाई साहब की बदतमीजी चल रही है। ये देखिए पनीर दाल और पाइनएप्पल रायता का वध किया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट व्लॉग डे 2 में जरूर मिलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। डॉक्टर रितेश सक्सेना व्लॉग।